हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कितने लार्ज नंबर? 10,000 लाख नहीं। एक स्टडी कहती है कि अब तक हमारे पास कार्बन के एटलीस्ट 10 to 15 million कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं। अब तक हमें तकरीबन 10 से 15 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पता है। 10 से 15 मिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन है अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, 0.02%, और एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.03%। इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद ये इतने ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स कैसे बनाता है, तो उसके लिए हमारे पास तीन रीज़न आते हैं। रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कि क्यों कार्बन इतने ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स बना पाता है, जिसमें सबसे पहला रीज़न हमारे पास आता है कैटिनेशन। और कैटिनेशन को क्या बोला जाता है, सेल्फ कम्बिनेशन। ये कैटिनेशन होता क्या है कि कार्बन क्या करता है, अपने ही अदर कार्बन एटम के साथ चेन बनाता हुआ चला जाता है, बॉन्ड बनाता हुआ चला जाता है, लिंक करता हुआ चला जाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब कैसे देखना, मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन, इसने क्या किया, दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, लिंक बना लिया। अब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन जैसे ही इसने किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक बनाया, अब ये मेरे पास एक और नया मॉलिक्यूल बन गया। पहले वाले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम थे, 2, अब इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3। अगर ये एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ गया, अब ये एक और नया मॉलिक्यूल तैयार हो गया। फिर अगर ये एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया, फिर ये एक और मॉलिक्यूल तैयार हो गया। फिर अगर ये एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ गया, फिर एक और हमारे पास नया कंपाउंड आ गया। इसका मतलब कार्बन क्या कर रहा है, अपने ही साथ के अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता हुआ जाता है और नए नए कंपाउंड फॉर्म करता जाता है, ठीक है। और ऐसा करते करते ये लॉन्ग चेन बनाता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। एक लॉन्ग चेन बनाता हुआ चला जाता है जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स तक कार्बन एटम की चेन होती है साइड बाय साइड। ये 1, 2, 3, 4, 5 थाउजेंड्स तक हमारे पास कार्बन चेन बनती है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं तो बकमिंस्टर फुलेरिन में हमने पढ़ा था, उसका एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन एटम का बना होता है, सिक्सटी कार्बन एटम का मिलके उसका एक मॉलिक्यूल बनता है, तो फिर भी बहुत छोटा है एक हमारे पास। ऐसे भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, लॉन्ग चेन बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और जितनी लंबी चेन बनेगी, जितनी लॉन्ग चेन बनेगी, उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, लार्ज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। कि कार्बन क्या करता है, अदर कार्बन एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है और ऐसा करते करते वो लॉन्ग चेन बनाता है, और लॉन्ग चेन बनने से क्या होता है, हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। उसके बाद लॉन्ग चेन क्यों बना पाता है, कि सर और भी तो बना सकते थे, और एटम भी तो बना सकते थे, और एलिमेंट्स के जो एटम है, जैसे सिलिकन हुआ वो भी क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, जर्मेनियम हुआ वो भी क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ कार्बन के पास ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन बनाने की, और किसी एलिमेंट के पास नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वो बीच में से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से जो कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये रीज़न है कैटिनेशन का, कि जो कार्बन अदर एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, इस वजह से ये जो चेन है वो ईजिली ब्रेक नहीं होती और हाईली स्टेबल होती है, ओके। अगला हमारे पास रीज़न है टेट्रा वैलेंसी। अगला रीज़न क्या आ गया, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो जो कार्बन है वो अदर 4 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है।
अब कैसे देखना, मान लीजिए कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, मतलब ये 4 अदर एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, हाइड्रोजन, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ करा दी, हाइड्रोजन के साथ, तो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ये कंबाइन हो सकता है। लेकिन और जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कितने एटम के साथ कंबाइन होता है, 2 एटम के साथ कंबाइन होता है। तो 4 अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन होने के वजह से ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ में कंपाउंड्स दे सकता है। अब कैसे देखना, अभी ये मेरे पास क्या था, CH4, अभी ये कौन सा मॉलिक्यूल है, CH4। अगर मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम है हमारे पास CH3Cl। ओके, अब मैंने क्या करा, एक और हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, क्लोरीन। अब ये क्या बन गया, CH2Cl2। अब अगर मैंने एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, अब ये क्या बन गया, CHCl3। और अगर मैंने इस फोर्थ हाइड्रोजन एटम को भी हटाया और क्या बना दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो वैरायटी में हमारे पास, इतने ज़्यादा वैरायटी में हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये तो बस मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल लिया है, अगर मैंने यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया होता तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते। तो टेट्रा वैलेंसी होने के वजह से जो कार्बन है डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, आप खुद से भी कुछ एग्जांपल अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है स्मॉल एटॉमिक साइज, कि हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है, कि कार्बन का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अगर 6 है तो इसका मतलब उसके पास कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। ये हमारे पास कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। इस वजह से अगर ये किसी और कार्बन एटम के साथ, अगर ये किसी और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। तो ये 3 रीज़न हमारे पास हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत ही लॉन्ग चेन बनाता है। और CBSE में ये क्वेश्चन 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो 3 रीज़न हमारे पास होते हैं। पहला कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन है अदर कार्बन एटम के साथ मिलके बॉन्ड्स बनाता है और उसकी वजह से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, अगला हमारे पास क्या आया, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब कि कार्बन 4 एटम्स के साथ मैक्सिमम कंबाइन हो सकता है और हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स प्रोवाइड कर सकता है। अगला स्मॉल एटॉमिक साइज, कि जो स्मॉल एटॉमिक साइज है ये काफ़ी बेनिफिट देता है कार्बन को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है स्मॉल होता है, इस वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। इस वजह से जो कार्बन कंपाउंड बनाता है वो हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास अगला टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कि मान लीजिए मैंने बोला CH4, इसमें आपको कौन कौन से एटम नज़र आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है सिर्फ और सिर्फ किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मान लीजिए मैंने अगला कंपाउंड लिखा C2H6, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर मैं लिख देता C4H8,
अभी ये क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है उसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अगर मैं बोल देता CO2, अगर बोल देता CO2 तो क्या हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो CO2 हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं होता। ठीक, अच्छा, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। मतलब कि आपके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तीन तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अभी मुझे क्या नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन होता क्या है, मोनोवैलेंट एटम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आते हैं, अब बात करते हैं जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता था वो कौन था, कार्बन। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यही मैंने लिखा, ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स, कि जो कार्बन एटम है, जो कार्बन एटम है अगर वो आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने हटाया, इसके साथ एक और कार्बन एटम लिंक कर दिया। ठीक है, एक और कार्बन एटम लिंक कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन पेयर के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। रीज़न कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगला एग्जांपल मैंने लिया C2H4, ये कंपाउंड कैसा है, हाइड्रोकार्बन है ना, दो कार्बन एटम और चार हाइड्रोजन एटम, हमारे पास ये कंपाउंड क्या है, C2H4, केमिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे दो कार्बन मेरे पास प्रेजेंट हैं, मान लिया कि इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, मान लिया इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। चार हाइड्रोजन एटम है तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गए, दो हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो फुलफिल हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, लेकिन अगर कार्बन की काउंट करूँ तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, दूसरा बॉन्ड कंप्लीट हो गया, तीसरा बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया, चौथा बॉन्ड अभी भी इसका इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये इस कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाया तो अब इस कार्बन के भी कितने हो गए, दो बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर, चौथा बॉन्ड इधर। इसका मतलब इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, नहीं। अब ये क्या कहलाएगा,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ए हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। मान लीजिए मैंने बोला C2H2, ठीक है, C2H2। अगर इसका मैं बॉन्डिंग शो करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। अब एक बार वैलेंसी काउंट करना। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बस। उसने क्या करा? सिंगल बॉन्ड बना दिया। इस हाइड्रोजन ने भी क्या करा? एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब इन दो कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस कार्बन की अगर वैलेंसी काउंट करो तो 1, 2, 3, 4 सेटिस्फाई। अगर इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड हो गए, चारों की चारों वैलेंसी फुलफिल हो गई। इसका मतलब अब ये कंपाउंड क्या है? स्टेबल है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं? 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसे, ठीक है। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा, ठीक। अगर एक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप ऐसे ले सकते हैं कि मैंने क्या बोला? C4H8 एक एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे, C4H8। अब यहाँ पे देखना, कार्बन 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 और कार्बन, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ये हम अगली क्लासेस में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए बस कि क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या करा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे देखना, इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। इसने कितना बनाया अभी तक? सिर्फ 1। 3 बॉन्ड क्या अभी भी इनकम्प्लीट है, तो इसने क्या करा? बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं। अब इस कार्बन ने क्या करा? एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया। 2 बॉन्ड इसके अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है। तो वो उसने बॉन्ड किसके साथ बनाए? हाइड्रोजन के साथ बनाए। अब यहाँ पे आते हैं, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए इधर, एक बॉन्ड बनाया इधर। इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक बॉन्ड अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है। तो उसने क्या करा? हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन की बात करूँ तो 2 बॉन्ड तो इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 2 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट हैं। तो इसने क्या करा? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। अब काउंट करना, 1, 2, 3, 4 कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन भी कितने हैं? 8। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। खैर ये तो हम अगली क्लासेस में करेंगे ही कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो या तो सारे के सारे क्या हों? सिंगल बॉन्ड। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में हम इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास नेमिंग की जाती है, क्या क्या हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, वो स्टडी करेंगे। आप पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।